रही है ऐसे 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 हिलाऊंगी और ये उड़ जाएगा। ये बता रही है ऐसे हिलाऊंगी उड़ जाएगा इंशाल्लाह उतार लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानी अता फरमाए। और आगे बढ़ता हूँ, सलाम करें। और आज का हमारा व्लॉग पूरा आपने देखना है, बड़ी दिलचस्प वीडियो है मेरी बेगम की, जो बीमारी के बावजूद जो उसकी हौसला अफजाई थी, जो उसने हिम्मत से जो काम किया थोड़ा सा, और शहद शहर की वीडियो आपने आप देखनी है, शहर उतारने लगी थी तो उसको चेक कर रही है कि उसमें माल ना इन माल है कि नहीं। देखें नाजरीन, बेगम मेरी ने लकड़ी उठाई है, ये उस शहद में पड़ोएगी। इधर शहद छोटा लगा हुआ है, शहद का छत्ता। मैं थोड़ा आगे होता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और ये आप देखें ऊपर बना हुआ है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ से आपको शहद दिखाते हैं कि काट ना लेगा, हमें महंगा ना पड़ जाए। हम बराह रास्त वीडियो बना रहे हैं, वो देखें उसमें इसने पड़ोया है, मक्खियाँ नहीं हिली। और वो देखें, ये बेगम मेरी है, ये देखें जी, ये मक्खियाँ भी इसके ऊपर आ गई हैं दो तीन। अब ये चेक करते हैं कितना इस पर बना हुआ है, मैं थोड़ा पीछे होता हूँ। इधर लाओ, इसी तरह ही हम वापस आ रहे हैं बेगम मेरी। ये सर ने देखे, ये ऊपर मक्खियां भी बैठी हैं शहद की लकड़ी के ऊपर। अब ये छोटी लकड़ लेके ना, छोटी लकड़ आपके सामने दूसरी मक्खियों को हटा रही है, मक्खियों को हटा रही है ताकि मक्खियां काटे ना। ये देखें जी, मक्खियों को हटा रही है शहद की, ये खालिस शहद है, इनको हटाने की कोशिश कर रही है मक्खियाँ ताकि उड़ जाएँ। और एक एक जो छोटी मक्खियाँ होती हैं यानी कि वो नहीं उड़ी। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खुश हो, अल्लाह जी उसको शिफा दे, ये बीमार थी, अल्लाह इसे शिफा दे दे इसी से, और उसमें बरकत है, बहुत खुश है। ये तो अभी उतारने के लिए आ रहा है, मैंने कहा अभी रुको अभी, क्योंकि थोड़ा इसमें माल कम है। कह रही ऐसे 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 हिलाऊंगी और ये उड़ जाएगा। ये बता रही ऐसे हिलाऊंगी उड़ जाएगा इंशाल्लाह उतार लेंगे। नाजरीन इन्हें देख रहे हैं, इनका प्यार मोहब्बत और दुआ करना अल्लाह की सलामत रखे। नाजरीन आपने वीडियो देखी, आपकी मेहरबानी, और कौमी याद रखिएगा, बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे कम हैं, यानी कि दूसरे बच्चे चार, हाँ एक बेटी बीमार है, बुखार है, वो सोई पड़ी है अभी तक, उसके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह उसे दे तंदुरुस्ती दे। बेगम भी मुकम्मल सहजियाब नहीं हुई, हमारा वक्त जो है ये भी मुकम्मल सहजियाब नहीं हुआ, और आमना भी है ये भी मुकम्मल सहजियाब नहीं हुई, और इनके लिए खुशी दुआ करनी आपकी मेहरबानी होगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।